ये बोल रहा है मेरे को ट्यूब का टुकड़ा वो बोरी के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। एक स्कूल है, न्यू फॉर्मल स्कूल, जो कि नायर सर का है। और यहाँ पर एक गोडाउन है जहाँ पर कुछ वेस्टेज सामान रखा जाता है। देख सकते हो आप, यहाँ एक सांप निकलने की जानकारी मिली है। तो हमारे साथ में सर भी हमेशा सांपों को बचाने का हमेशा कार्य करते हैं। हमें जब भी कहीं सांप निकलता है तत्काल फोन लगाते हैं। आज उन्हीं के स्कूल में इधर एक साइड में रूम है, वहां पर निकला है। तो हम देखिए इसका रेस्क्यू करते हैं, इसे लेके चलते हैं पर्यावरण की ओर। वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये तो हाथ लगा नहीं, मैंने अंदर जाने का बोला ना, बाहर आ रहा था। दूर हो रही चलेगा वो। आप देख सकते हो दोस्तों, सांप दिखाई दे चुका है हमें। और ये कैमरामैन से निवेदन है, थोड़ा सा सांप को दिखाए। इसके अंदर देखिए बोरी में किस प्रकार से एक बहुत ही बिग साइज का बहुत ही बड़ा सांप बैठा हुआ है। इसकी पूछ पकड़ ली जाएगी। क्या वो बंद करके यार, चल निकल, क्या कर रही हो? मैं साथ देती हूँ। बंद कर दिया मैंने। इस तरह कोबरा हाथ में पकड़ेंगे, ताकत नहीं लगाएगी क्या लगाएगी? आप देख सकते हो दोस्तों, एक धामन स्नेक है जो कि बहुत ही बिग साइज का है। और कोई भी सांप हो दोस्तों, इनको किसी का पकड़ना और किसी का भी हाथ लगाना इनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमेशा अटैक करने की पोजीशन में रहते हैं। उसको होने देना पड़ता है, तोड़ लेती है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक धामन सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। और एक बिग साइज का धामन सांप है जो कि तकरीबन 7 से 6 7 फीट के आसपास का है। और इसे पर्यावरण में रिलीज कर दिया जाएगा, बिना जहरीला सांप है, किसी प्रकार से इसमें विष नहीं पाया जाता। और कई मिथ्याएं बनी है कि सांप दूध पीता है, तो हम बता दें कि धामन सांप कभी दूध नहीं पीता, कोई भी सांप दूध नहीं पीते। सांप जो होते हैं मांसाहारी सांप होते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ जो हमेशा जीवो को बचाने में जो हमारे साथ में मददगार जो नायर सर है हमारे, और मुलताई के जाने माने एक अच्छे
व्यक्ति है दोस्तों, और आप देख सकते हो ये भी इन जीवों से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और उनकी भी इच्छा है कि वो सांप को पकड़े, तो हम उन्हें इसको लेके चलते हैं दोस्तों पर्यावरण की ओर। सबसे पहले तो भाई श्रीकांत विश्वकर्मा को बहुत बहुत सारा धन्यवाद, और ये बहुत इस शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि श्रीकांत है हमारे बीच में, तो अब हमको सांपों से डर नहीं लगता। वो आते हैं जैसे ही उनको बुलाते हैं, वो कहीं पर भी रहते हैं, जानकारी मिलते से ही आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं चाहता हूँ कि जिले में एक सम्मान मिलना चाहिए, और उनका सम्मान हम हमारी ओर से कारमल परिवार की ओर से बहुत जल्दी आने वाले फंक्शन में करेंगे, और हम चाहते हैं कि पूरा समाज उनको सपोर्ट करे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नायर सर, और आज इन्हीं के यहाँ पर एक रूम में सांप निकला था, इसके रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया है। और दोस्तों जियो को बचाने में इनका हमेशा हमारे साथ में बहुत योगदान। तो दोस्तों हमारा कार्य अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। तो चलते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये देखिए ये भी हमारे यहाँ कहीं से आई है बच्चियाँ, और इसको सुरक्षित रखने के लिए अभी हम इसको अपने पास रखे हुए हैं। कुछ दिनों बाद इसको हम बरेठा घाट पर इनके इसके परिवार से मिलाने के लिए जल्दी लेके जाएंगे। ये हमारी अंजलि माँ है।